स्टूडेंट्स, मैं सुमलता स्वामी एन एकेडमी पे आपका स्वागत करती हूँ। हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़े थे, जिसमें हमने राजस्थान के जिले, राजस्थान के संभाग, राजस्थान के क्षेत्रों के भूगोलिक उपनाम पढ़े। अब हम इस लेसन में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान का एकीकरण है, उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मेरे इस कोर्स में नए लेसन की लगातार नोटिफिकेशन के लिए मुझे एन एकेडमी पर फॉलो करें। अगर आपको मेरा ये कोर्स पसंद आ रहा है तो रेटिंग देकर मुझे अवगत करवाएं। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, राजस्थान के सामान्य परिचय में हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के प्रतीक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। पशुधन श्रेणी की बात करें तो पशुधन श्रेणी में राज्य पशु ऊंट है और वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु चिंकारा है। राज्य पशु ऊंट राज्य पशु का दर्जा इसे 19 सितंबर 2014 में दिया गया और ऊंट वध रोग अधिनियम दिसंबर 2014 में पारित किया गया। ऊंटों की संख्या की दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। राजस्थान में भारत के 70% ऊंट है वो पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला जैसलमेर है और सबसे कम ऊंटों की संख्या वाला जिला प्रतापगढ़ है। ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो जोड़भीड़ बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर कैमल मिल्क डेयरी भी बीकानेर में स्थित है। ऊंटों में पाया जाने वाला प्रमुख रोग सर्रा रोग है। ऊंटों के सर्रा रोग के नियंत्रण के लिए 2010-11 में सर्रा रोग नियंत्रण योजना चलाई गई थी। ऊंटों का पालन पोषण करने वाली जाति रायका रेबारी जाति है। ऊंटों की चमड़ी पर की जाने वाली जो कला है उसको उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला को मुनवती कला के नाम से भी जाना जाता है। मूलतः उस्ता कला लाहौर की है। उस्ता कला को राजस्थान में बीकानेर के शासक अनूप सिंह के द्वारा लाया गया। इस तरह हमने पढ़ा राजस्थान का राज्य पशु ऊंट पशुधन श्रेणी में। अगला राज्य पशु पूछे वन्य जीव श्रेणी में तो वह है चिंकारा। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। यह एक एंटीलोप प्रजाति का जीव है और चिंकारे को छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है। चिंकारे के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर में स्थित है वह प्रसिद्ध है। चिंकारा जो है वो हल्के भूरे अखरोटी रंग का एक सुंदर जानवर होता है। चिंकारा के सींग जो है वो अजीवन बने रहते हैं। चिंकारा श्री गंगानगर जिले का भी शुभंकर है। राज्य पशु चिंकारा पढ़ने के बाद अब हम पढ़े राज्य पक्षी। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। 1981 में इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्रियोटिस नाइग्रेसिप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अन्य उपनाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से गोडावण को जाना जाता है। माल मोरड़ी के नाम से गोडावण को जाना जाता है। सोन चिड़ी के नाम से भी गोडावण को जाना जाता है। हुकना गुदनमेर बड़ा तिलोर इत्यादि जो है वो गोडावण के उपनाम है। गोडावण के क्षेत्र देख लेते हैं हम। गोडावण है वो किस क्षेत्र में अत्यधिक पाया जाता है तो राजस्थान में गोडावण सबसे ज्यादा 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। सोरसेन बारा में, सौकलिया अजमेर में और मरु उद्यान जैसलमेर में गोडावण पक्षी है वो पाया जाता है। गोडावण के संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो प्रारंभ किया था। गोडावण के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। राज्य पक्षी गोडावण को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं राज्य पुष्प रोहिड़ा। रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 को दिया गया। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है टिक्कोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। रोहिड़े को राजस्थान का सागवान, राजस्थान का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा के नाम से इसको जाना जाता है। रोहिड़ा पश्चिम राजस्थान में है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। रोहिड़े के पुष्प फूल जो है वो मार्च और अप्रैल महीने में इसके फूल आते हैं। मार्च अप्रैल में केसरिया रंग के इसके फूल आते हैं।
रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ का टीक नाम से जाना जाता है। रोहिड़े के पौधे को सबसे रोहिड़े के पेड़ को सबसे ज्यादा जरवील नाम का चूहा है वो वर्तमान में नुकसान पहुंचा रहा है। राज्य पुष्प रोहिड़ा पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं राज्य नृत्य घूमर। घूमर को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। राज्य नृत्य है घूमर। मांगलिक अवसरों पर, तीज त्योहारों पर जो है वो घूमर का आयोजन किया जाता है। स्त्रियां एक गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए यह नृत्य करती है। श्रृंगार रस से संबंधित है ये नृत्य। घूमर के साथ लगाया जाने वाला अष्ट ताल कहरवा होता है, उसको सवाई कहा जाता है। घूमर के बाद अब हम राज्य वृक्ष देख रहे हैं। राज्य वृक्ष राजस्थान का खेजड़ी है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया के नाम से इसको जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। इसके उपनाम देखते हैं, खेजड़ी को कल्प वृक्ष, सम्मी वृक्ष, जानती, राजस्थान का गौरव, राजस्थान के गौरव के नाम से चित्तौड़गढ़ को भी जाना जाता है। खेजड़ी को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है और बाजरा को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। खेजड़ली दिवस जो है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए ऑपरेशन खेजड़ा जो है वो 1991 में चलाया गया। खेजड़ी के लिए सबसे पहले बलिदान अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा 1730 ईस्वी में दिया गया। 363 लोगों के साथ उन्होंने ये जोधपुर में बलिदान दिया खेजड़ी की रक्षा के लिए। खेजड़ली ग्राम जो जोधपुर में स्थित है वहां पर भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन उन्होंने ये बलिदान दिया। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा जो है वो दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष के की पूजा की जाती है। खेजड़ी के पुष्प को मिंजर कहते हैं। खेजड़ी की सूखी फलियों को जो खोका कहा जाता है। खेजड़ी की पत्तियों से जो चारा बनता है उसको लूम कहा जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं राज्य खेल। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। इसे राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। राज्य गीत जो है वो है केसरिया बालम। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम है। इस गीत को सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय बीकानेर की अल्लाह जिला बाई को जाता है। अल्लाह जिला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। यह गीत मांड गायकी शैली में गाया जाता है। राज्य कवि की बात करते हैं। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी। राजस्थान में 3 ठिकाने थे, निमराणा ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना और लावा ठिकाना, और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण के लिए रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई और इस विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और सचिव वीपी मेनन को जो है वो इसका सचिव बनाया गया। राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। प्रथम चरण मत्स्य संघ। प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण हुआ। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को शामिल किया गया और एकमात्र ठिकाना निमराणा ठिकाना को मत्स्य संघ में शामिल किया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। के एम मुंशी की सिफारिश पर इसका नाम जो है वो मत्स्य संघ रखा गया। इस तरह मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया और मत्स्य संघ के राज प्रमुख उदय मान सिंह
धौलपुर के उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। शोभाराम कुमावत अलवर के थे। इसका उद्घाटन करता बी एन बी गोडगिल के द्वारा मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। मत्स्य संघ का प्रथम चरण का उद्घाटन भरतपुर दुर्ग में किया गया। अब हम प्रथम चरण मत्स्य संघ को पढ़ने के बाद दूसरा चरण पढ़ रहे हैं, राजस्थान संघ, या इसको पूर्व राजस्थान के नाम से जाना जाता है। दूसरे चरण को 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण हुआ, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ व एक ठिकाना कुशलगढ़ ठिकाने को शामिल करके जो है पूर्व राजस्थान का राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। राजस्थान का दूसरा चरण पूरा हुआ। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान की राजधानी कोटा को बनाया गया। दूसरे चरण की राजधानी कोटा रहा। राज प्रमुख भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया दूसरे चरण में। और प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा शाहपुरा के है, गोकुलाल असावा, उनको दूसरे चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया। और उद्घाटन करता एन बी गोडगिल ने दूसरे चरण का उद्घाटन किया। दूसरे चरण का उद्घाटन कोटा दुर्ग में किया गया। तो स्टूडेंट्स, हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने प्रथम चरण को पढ़ा, दूसरे चरण को पढ़ा, पहले चरण मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों को शामिल किया गया। एकमात्र ठिकाना नीमराणा को पहले चरण में मिलाया गया। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए बी सी डी, नीम के नीचे, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर, नीम से नीमराणा ठिकाना हो गया। और इसी तरह दूसरे चरण में जो जो रियासतें शामिल हुई वो आपको याद रखना है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ रियासत को मिलाया गया। और नीमराणा ठिकाने को पहले चरण में मिलाया गया और कुशलगढ़ ठिकाना है उसको दूसरे चरण में राजस्थान में शामिल किया गया। इस तरह आज हमने इस लेसन में राजस्थान के प्रतीक पढ़े, राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट कर दिया। राजस्थान के एकीकरण में हमने पहला चरण और दूसरा चरण पढ़ लिया। अगले लेसन में हम बाकी के राजस्थान के सातों चरणों को पूरे डिटेल पूर्वक अगले लेसन में पढ़ेंगे। मेरे इस कोर्स में नए लेसन की लगातार नोटिफिकेशन के लिए मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करें। और अगर आपको मेरा यह कोर्स पसंद आ रहा है तो रेटिंग देकर मुझे अवगत करवाएं। थैंक यू।